जाओगे? बिलखूर नागपुर फतेहगढ़ रामगढ़ कहाँ जाना है बोलो। अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी तो बैठो घर से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो वैसे तो मुझ में भी बात करने की आदत तो है नहीं, चलना है तो बोलो चलना है, नहीं चलना तो ठीक है कोई बात नहीं। अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी? वो तो तुम बाहर निकले तो मुझे लगा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया। अब जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं, बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। अरे ये तो बसंती का तांगा है, किसी जमींदार की बेकार ही थोड़ी है कि मर्जी ना मर्जी कहना ही पड़े। आज तो वही मिसाल हो गई के हाँ हाँ तो आ जाओ, मैंने कब मना किया? देखो वैसे तो मुझे में ये भी जो बात करने की आदत तो है नहीं, इसके लिए पहले से ही बोल देना। अच्छा है, बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें चिचिक मत करना। बसंती जो बोल गई सो बोल गई। हाँ समझ गई, तुम वो ही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तो पूछोगे तांगा किस गांव का है? पूछो पूछो। रामगढ़ का है। वैसे पूछने वाली बात तो ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी ले तो 2 चक्कर हो जाते हैं, यहाँ से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर हम रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए, क्योंकि तांगा भी रामगढ़ का और हम भी रामगढ़ के। ये तो हुई हमारी बात, अब तुम बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? रामगढ़। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? यूके वहां किसके घर जाना है ये तो बताना ही पड़ेगा कि बसंती हमें उस घर को ले चलो। अगर हमें ही नहीं पता कि तुमको जाना कहाँ है तो हम तांगा रोकेंगे कहाँ? और हमने तांगा नहीं रोका तो तांगा रुकेगा कैसे? वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि तांगा चला कौन रहा है, तांगा हम चला रहे हैं। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? तो कहो ना कि ठाकुर साहब के घर जाना है, चल धन्नो।